नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा। नगर निगम की कार्रवाई आज भी चल रही है जमाई को में। आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से बड़े बड़े मकानों को तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े मकान हैं और सभी को जो है तोड़ा जा रहा है। सभी को तोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों से बात हुई है, अभी 1000 से ज़्यादा के मकान हैं। कुछ एक लोगों का कहना है कि अभी जो कोर्ट है, जो केस है, वो कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं सामने भारी पुलिस फोर्स, महिला पुलिसकर्मी भी हैं, भारी पुलिस फोर्स और देखिए भारी तादाद में जेसीबी भी हैं। यहाँ पे देखिए सामने लाइन लगी हुई है जेसीबी की, सामने देखिए लाइनें लगी हुई हैं जेसीबी की और तोड़ाफोड़ी चालू है। पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे, क्राइम ब्रांच की टीमें भी यहाँ पर हैं, क्राइम ब्रांच की टीमें भी यहाँ पर हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिएगा। इस समय फरीदाबाद की जमाई कॉलोनी में मौजूद है जहाँ पे नगर निगम जमाई कॉलोनी पर कार्रवाई करता जा रहा है, हज़ारों मकानों को तोड़ा जा रहा है, हज़ारों मकानों को तोड़ा जा रहा है। आप सामने देखिए जेसीबी चल रही है, बड़े बड़े मकान हैं, सभी को धाराशाही किया जा रहा है। और जेसीबी देखिए, जेसीबी की लाइन देखिए, 7 से 8 जेसीबी नज़र आ रही है हमें कैमरे में और उससे पीछे भी हो सकती है। और यहाँ देखिए सबने आप जो अपने सामान है वो बाहर निकाल रखा है, बाहर ही बैठे हुए यहाँ के लोग। कुछ एक लोगों का मैं दोबारा से बता दूँ, कुछ एक लोगों का ये भी कहना है कि जो केस है अभी हमारा कोर्ट में विचाराधीन है, सेशन कोर्ट से, फरीदाबाद सेशन कोर्ट से केस जीतने के बाद नगर निगम ने हाई कोर्ट में अपील की थी और अब हाई कोर्ट में जो है जो केस है वो विचाराधीन है, लेकिन उसके बाद नगर निगम जो है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये कार्रवाई कर रही है। ये थोड़ा आगे से दिखाते हैं, सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर कर दीजिए। सामने देखिए आप किस प्रकार से जेसीबी चलती नज़र आ रही है। शेयर कर दीजिएगा खबर को, भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, SDO, JE, महिला पुलिसकर्मी और सभी पुलिसकर्मी ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं वो देखिए सामने ये तोड़ा जा रहा है। शेयर कर दीजिएगा खबर को, जो जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो जो फॉलोवर हमारे से जुड़ रहे हैं, खबर को शेयर कर दीजिए। लगातार जमाई कॉलोनी में नगर निगम का पीला पंजा चलता नजर आ रहा है। नगर निगम के SDO, JE, एक्शन, सामने पद्म भूषण देख रहे हैं, एक्शन है सामने देखिए। सामने तस्वीर देखिए किस प्रकार से जो है तोड़ा जा रहा है। सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर कर दीजिए। फिर आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर जो है चलते हैं। आप देख पा रहे हैं भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है यहाँ पे, नगर निगम के सभी ऑफिसर्स मौजूद हैं यहाँ पे, JCB काफी भारी मात्रा में पीला पंजा भी चलता नजर आ रहा है।
लोगों ने सामान बाहर निकाल दिया, लोग सभी आंखों में आंसू हैं, लोगों के आंखों में आंसू हैं इस समय। सामान देख पा रहे हैं, सारा सामान लोगों ने अपना बाहर निकाल लिया, जितना निकाल सकते थे सामान बाहर निकाल लिया है। अब बारी है यहाँ की, देखिए भारी मात्रा में लोग भी मौजूद हैं जिनके घर को तोड़ा जा रहा है। अफकोर्स वो तो यहाँ पे खड़े होंगे ही, देख पा रहे हैं क्राइम ब्रांच के कर्मी, नगर निगम कर्मी, भाली पुलिस फोर्स, महिला पुलिस कर्मी सभी यहाँ पे मौजूद हैं। एसीपी साहब भी, नरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, रजेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। लोगों को दूर जाने की अपील कर रहे हैं नगर निगम कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, और 1000 से ज़्यादा मकान हैं, 1000 से ज़्यादा मकान हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, नगर निगम ने लोगों को यहाँ से घरों को खाली करने की अपील पहले ही कर दी थी, बुनियादी पहले ही करा दी गई थी, और अब पिछले 2 दिन से जो है नगर निगम का पीड़ा पंजा यहाँ चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में मकान है जिनको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे कुछ एक लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, देखिए ये सामान अपना ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं जिन्होंने सब सामान, ये देखिए पानी की टंकी, दरवाजे, सब कुछ जो है पहले से निकाल दिया। और कुछ लोग जो है अपना घर, अगर हम पीछे की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे हमने देखा कुछ लोग जो है अपना घर खुद से ही खाली कर रहे हैं। जो छतें होती हैं जिस पर पत्थर की छतें होती हैं, जो उनको खुद से निकाल के जो है वो सुरक्षित जगह पे पहुंचा रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि 45 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, 45 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं उसके बावजूद भी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो जमाई कॉलोनी का जो केस है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है तोड़फोड़ को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए, शेयर कर दीजिए, लोगों में रोष है, लोगों में रोष है इस समय। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल के माध्यम से, और जमाई कॉलोनी में से मौजूद है जहाँ भारी मात्रा में तोड़फोड़ की जा रही है। आपको दिखाया है इस तरह से क्राइम ब्रांच की टीमें मौजूद हैं यहाँ पे, पुलिसकर्मी भारी मात्रा में मौजूद हैं, और पुलिसकर्मियों के बड़े ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, एसीपी रैंक के लोग यहाँ पे, पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए खुद से ही अपने उठा उठा के रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा खूबी खान नाम है, खूबी खान। हाँ जी, 2 दिन से कार्रवाई चल रही है, कितना संतुष्ट है इस कार्रवाई से? देखो जी, हम तो संतुष्ट क्या होंगे, क्योंकि हम तो पहले ही, हमारा ये रकबा था माल का नाक का, हमारा हाईकोर्ट में केस चल रहा है इसका, वहाँ से तो अभी हमारे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गए हैं, केस डाला तो फार्म हाउस वालों ने डाला है, भड़कल वालों ने तो कोई डाला नहीं है। अब उसके ब्याह पे जमाई कॉलोनी जो बसी हुई है, अवैध कब्जा था, इसको हटा रहे हैं, लेकिन माल का नाक तो भड़कल का ही है। हम हाई कोर्ट में अभी विचाराधीन चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके मुताबिक हम तमाशा देखना पड़ रहा है, हमें तो मजबूर हैं। ये जमीन आपको दी किसने?
ये तो राजा रतन सिंह के टाइम से सन 1880 से हम इसके मालिक बने हुए, हमने इसके लगान भी भरे हैं। 2583 एकड़ जमीन के मालिक हैं हम, जो अरावली पर्वत में है। 2583 एकड़ जमीन है हमारी। बात करते हैं इनसे। हाँ जी, हमारा जो बड़खल के पहाड़ का रकबा है ना, पहाड़ का रकबा 2583 एकड़ है। ये राजा रतन सिंह के टाइम से है जी हमारे पास। इसका लगान भी भरा है गांव वालों ने। पहले पंचायत 54-55 में पंचायत आई है, पंचायत से फिर कम्प्लेक्स में गई है, कम्प्लेक्स से नगर निगम आई है। तो उसके खिलाफ हम ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं, पहले 12 सेक्टर, उसके बाद में हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट अभी विचाराधीन चल ही रहा है हमारा। अभी हाईकोर्ट का कोई डिसीजन नहीं, हम केस हारे नहीं है। अभी फार्म हाउसों का मैटर आया है, फार्म हाउस तोड़ने वाले हैं जो फार्म हाउस वाले हैं, वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फार्म हाउस वालों के खिलाफ आया है, वो ही ऑर्डर हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है जी। कितने मकान है जो? लगभग 1500 मकान है जी। 1500 मकान है। आपकी मतलब शिकायत ये है कि जब हाई कोर्ट में केस विचाराधीन है, सुनवाई चल रही है, तो क्यों कार्रवाई की? बिल्कुल वेट करना चाहिए, बिल्कुल ब्रेक करना चाहिए था जी, क्योंकि हम तो अभी हाई कोर्ट का, जब हाई कोर्ट से हारेंगे तभी तो जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी तो हम हाई कोर्ट में बैठे हैं, तो हम तो इससे असंतुष्ट है जी। तो आपने सुना इनका कि किस प्रकार से बोल रहे हैं कि 1880 में किसी महाराजा रतन सिंह ने इनको यहाँ पे जो है कब्जा दिया था, उसके कागज, उसके जो कागजात थे वो इन्होंने हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए हैं, पेश कर दिए हैं। उसके बावजूद भी जो है नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए गए थे, खैर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो नहीं है, लेकिन इनका सिर्फ ये कहना है कि जब कोर्ट जो है, जब केस जो है हमारा हाई कोर्ट में विचार देना, और हाई कोर्ट ने अभी कोई भी फैसला नहीं सुनाया है, तो कार्रवाई क्यों की जा रही है? समय देना चाहिए था इनको, समय देना चाहिए था इनको। देखिए ये घर में लेके जाई जा रही है, सामने देखिए, सामने भी अपने आप से तो तोड़फोड़ की जा रही है। बड़े बड़े हथौड़े हैं इनके, वो खुद से तोड़फोड़ कर रहे हैं। खैर अब जो भी है फैसला, जो फैसला लिया जा रहा है नगर निगम के द्वारा तोड़फोड़ का, लोग तो संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट होंगे भी नहीं, क्योंकि 45 साल से लोगों का कहना कि 45 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर। कि जब जब कोर्ट केस जो हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों की जा रही है, और हवाला किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का अरावली को खाली कराने का, आप इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं, क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपको दोबारा से बता दूँ, फरीदाबाद की जमाई कॉलोनी सेक्टर 49 के पास जमाई कॉलोनी में मौजूद है, जहाँ पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 1000 से 1500 तक के मकान जो हैं, संख्या जो है 1000 से और 1500 के बीच में है, जो मकानों की तोड़फोड़ की जा रही है। ये देखिए अब यहाँ तोड़फोड़ की जा रही है। शेयर कर दीजिएगा, जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खबर को शेयर कर दीजिएगा। लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, लोगों के जो आशियाने हैं वो उजाड़े जा रहे हैं। अब कौन सही है कौन नहीं, जो व्यक्ति से, जिस मिस्टर खान से हमने बात की, जिस यहाँ के नागरिक से हमने बात की, तो उन्होंने बोला कि 1880 तक के, 1880 तक की जो कागज हैं, जो महाराजा रतन सिंह हुआ करते थे जिन्होंने इनको कब्जा दिया था, उस तक के कागज हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दिए हैं इन्होंने, लेकिन उसके बाद भी जो है कार्रवाई की जा रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर कर दीजिए। फरीदाबाद की जमाई कॉलोनी मौजूद हैं, जहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई जो है करने से पहले नगर निगम ने यहां पे मुरियाद